तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हुए हैं शिवनाथ निकट, जो कि है राजनांदगांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे मोहारा के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है पूरा यहाँ पर दल्ली राजरा और राजनांदगांव को जोड़ने वाला पुल, जो कि देख सकते हैं सामने है। यह पुल एक बार टूट चुका है दोस्तों, जो सभी को याद होगा, यही कम से कम 7-8 साल पहले की घटना थी। जो सामने से पूरा उखड़ चुका था पुल, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा पा रही थी। तो फिलहाल मैं अभी अंग्रेज जमाने से बने हुए पुल में खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है दोस्तों। बहुत बहुत सालों हो चुके हैं, कब बना था वो तो याद नहीं, लेकिन बताते हैं कि बहुत अंग्रेज ज़माने से है, तो इसलिए अंग्रेज ज़माने का मानते हुए तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ आपको पूरा यहाँ का माहौल। काफ़ी ज़ोरदार, अभी तो बरसात नहीं हो रही है, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ था। यहाँ पूरा पानी पानी दोस्तों, यहाँ पर से आप गाड़ी वगैरह कुछ ही ले जा पा रहे थे। मैं तो फिलहाल यहाँ पर चल रहा हूँ, अभी दोस्तों के साथ आया हूँ वहाँ पर है, और सब लोग चिल्लम चपाटी कर रहे, तो मैं थोड़ा सा आवाज आवाज मत तय करके इधर आया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि इधर भी मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ दोस्तों। चाय कलर का हो गया पानी यहाँ पर से पूरा, दिखाता हूँ आगे चल ले आके आपको। आज तारीख है 20 जुलाई 2023, देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी प्यारा है। तो अपन आपको मंदिर के पास ले जाके दिखाते हैं आज का माहौल कैसा है। जो भी फिलहाल पुल पे कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही, यहाँ पर मछली पकड़ने वाले आ रहे होंगे अभी, लेकिन मछली पकड़ने वाले सब चले गए हैं मछली पकड़ के। यहाँ देख सकते हैं यह पानी आ रहा है डोंगरगांव वाले शिवनाथ नदी से, इधर से बहते हुए आ रहा दोस्तों। यह पूरा आगे जाएगा दुर्ग बेमे तरह से होते हुए और आगे जाके महानदी में मिलेगा। यह नदी देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का दृश्य। तभी आप आकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको डैम के पास लेके चलता हूँ। और आपको अभी पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि हम ज़्यादा पास नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं जाके आगे तक के। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वाटर फिल्टर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ से पूरे राजनांदगांव को पानी सप्लाई किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारे घर में पानी आता है यहीं से ही आता है दोस्तों। ज़ोरदार नज़ारा है यहाँ। तो चलिए मित्रों, हम अभी जा रहे हैं निकट के पास, कैसा है माहौल देखते हैं। तो देखिए मित्रों, हम अभी आ चुके हैं निकट के पास। तो यहाँ से माहौल देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही रफ्तार है पानी जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं पूरे गेट से भी ज़्यादा है, भाई वहाँ पर नहा रहा है बहुत टाइम से, बेचारा डूबे टाइप से लगता है। स्लो मोशन में देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य लग रहा है दोस्तों, इस तरीके से तो पानी आ रहा है। हमारे पीछे है मोहारा के शिव मंदिर में हम खड़े हैं इस प्रकार, शिव मंदिर प्रांगण में काफ़ी शानदार नज़ारा है, पीछे साइड देख सकते हैं शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, कम से कम 20-25 फीट ऊँची प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई दोस्तों, जो कि अपने संस्कारधनी राजनांदगांव की शान है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है शिवनाथ नदी का, यहाँ बिल्कुल घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सावन सोमवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है, जो कि हर शुक्र सोमवार में चलता है सोमवार भर, और दिवाली के बाद यहाँ मेला लगता है दोस्तों, और एक बार सभी जानते हैं मोहारा मेला। तो फिलहाल नदी के हम ज़्यादा करीब ना जाते हैं, हम जहाँ पर बहाव कम है वहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से लहर मार रहा है दोस्तों। थोड़े दूर में आए हैं अपन, क्योंकि ज़्यादा बहाव के पास जाना सही नहीं है, पानी का तेज बहाव देख सकते हैं किस तरीके से वो अंडर बन रहे हैं, वहाँ से स्पीड से आ रहे पानी। तो हम थोड़े से दूर में आए दोस्तों, वहाँ पास में जाना सही नहीं, वहाँ फिसलन, और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है जगह इसलिए आए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से दोस्तों बहुत ही पानी स्पीड से आते जा रहा है, पूरा नीचे का पैंट गीला हो चुका है मेरा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर, और देख सकते हैं पूरा ब्रिज का नज़ारा, देख सकते हैं यहाँ पर शिवनाथ नदी अपने चरम सीमा पर है दोस्तों। काफ़ी जोरदार लहर मार रहा है इधर, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही लबालब पानी भर रहा है पूरा देख नज़ारों का। देख सकते हैं जिस तरीके से पूरे दोस्तों खतरे से खाली नहीं है यहाँ जाना, पास में अब ज़्यादा पास में जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है दोस्तों, और धूप भी काफ़ी तेज़ होगा, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है धूप के साथ साथ पानी भी गिर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर छोटू भाई हमारा नहा रहा है बहुत टाइम से, देख सकते हैं ज़्यादा बार बार पानी में जा रहा है, अच्छी तरह के आगे भी चलते हैं। देख के तो ऐसा लग रहा है कि कूद जाओ नहाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा नहाना नहीं है, अभी बाहर मार रहा दोस्तों। देख सकते हैं किस तरीके से, वो देखो उसको बच्चे को देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ सावन सोमवार में जरूर, तो फिलहाल मेरे पीछे हैं पूरा शिवनाथ नदी,
काफ़ी प्यारा नज़ारा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। आज है 20 जुलाई 2023, आज के दिन का माहौल इस प्रकार से है पूरा। चलिए दोस्तों, हम अभी आपको ले जाते हैं अपने शिव मंदिर के पास। तो ये है दोस्तों शिवनाथ नदी के समीप स्थित शिव जी की प्रतिमा, बहुत ही शानदार प्रतिमा बनाई गई है, 20 से 25 फीट ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, काफ़ी शानदार लगता है दोस्तों यहाँ से देखने पे। आप जाएंगे तो रोड से आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, यहाँ पर से काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ पर बनता है दोस्तों। समीप नदी के जस्ट किनारे में यहाँ सावन के समय में हर सोमवार को यहाँ पर श्रद्धालु बनाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार है। तो फिलहाल हम वापस आ चुके हैं नदी के पास, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी है दोस्तों, और धीरे धीरे पानी बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आए थे थोड़ा सा कम था, लेकिन और पता चला कि आगे से डैम के दरवाजे और खोले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ गए, तो इसलिए और भी ज़्यादा पानी और आने के चांसेस है दोस्तों कि रात भर में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं दोस्तों, जैसे ब्रिज में सभी भुट्टा के भी दुकान लग जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो फिलहाल भीड़ कम दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन पूरा पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल हो जाता है। पर पुलिस लोग खड़े रहते हैं दोस्तों, ड्यूटी करते हैं वहाँ अपनी, ताकि कोई भी ज़्यादा नदी के पास मत जाए, हादसा ना हो, इस सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो वो देख सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ जो दूर से दिख रहा है दोस्तों वहीं है पावर सप्लाई प्लांट, तो अपन थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ से ही पूरा पानी का सप्लाई किया जाता है। तो अभी फिलहाल वो तो हमेशा चलते रहे दोस्तों कार्यक्रम यहाँ का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सिद्धार्थ नदी अपनी उफान पर है काफ़ी, तो अभी यहाँ आना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, इससे ज़्यादातर इसी जाना है, पानी बहुत ज़्यादा तेज है दोस्तों। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ साथ